गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लैपटॉप रिपेयरिंग का ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे जो डेल के जो नए मॉडल के जो लैपटॉप आ रहे हैं उन्हें आप कैसे खोलेंगे, कैसे बंद करेंगे, उनमें हम जो खोलते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है और उसे प्रॉपर्ली ढंग से कैसे उसको बंद करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे अब लैपटॉप रिपेयरिंग का पूरा कोर्स होगा। मोबाइल रिपेयरिंग के जो कोर्स के कुछ वीडियो बाकी रह गए थे उनमें कुछ काम चल रहा है, तो वो इसके बाद वो इसी के साथ साथ वो भी मोबाइल रिपेयरिंग के वीडियो भी अपलोड होते रहेंगे। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि मेरे सामने एक डेल का लैपटॉप है। सबसे पहले क्या होता है, इसको बैक साइड से लेते हैं। यहाँ पे ये इसके लॉक दिख रहे हैं, इसको ऐसे करना है, इस साइड खींचना है दोनों ऐसे इस तरीके से, और ये यहाँ से इस साइड से यहाँ से ऐसे इसको ऐसे ऊपर करोगे ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये आप इसकी बैटरी को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको सिंपली पेचकस से इसका ये वाला सिरा जो है वो खोलना है, ये वाला पहले ओपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। पेज इसका अलग हमने मैगनेट पे यहां पर रख लिया। अब क्या करना है, हमें इसको अप करना है यहां से ऐसे चिमटी से, और ये यहां से अलग हो गया बैक पॉइंट इसका। यहां पर रैम लगी हुई, रैम को हम बाहर निकाल लेते हैं इस साइड से, दोनों साइड से ऐसे पकड़ के, और ये देखो रैम यहां से सिंपली बाहर निकल गई। इसके बाद हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का हमें पेज ओपन करना पड़ेगा। यहां इसकी हार्ड डिस्क लगी होती, ये एक पेज पहले आपको खोलना रहेगा हार्ड डिस्क के लिए, ओके। और इसको सिंपली ये जो पट्टा लगा इसको ब्लैक कलर का, इसको पीछे से तरफ खींचना है और ये हार्ड डिस्क अलग हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप हार्ड डिस्क को अलग कर सकते हो। इसके बाद ये आएगा वाईफाई कार्ड, ब्लूटूथ कार्ड, और ये एंटीना के वायर है। आप इनको ऐसे इस तरीके से चिमटी से या पेचकस से ऊपर कर सकते हो, अलग हो जाएंगे ये, ठीक। इनमें क्या होता है कि कोई भी वायर अगर चेंज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एंटीना के वायर होते हैं, ओके। तो अब इस पेज को हम लोग ओपन कर लेते हैं। और ये एंटीना वाला जो वाईफाई का जो कार्ड है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, ओके। अब क्या करना है हमें, हमें इसके जो सारे पेच हैं जो चारों साइड लगे हैं उनको ओपन करना है, ठीक। उसके पहले हम क्या निकालते हैं, डीवीडी राइडर इसका एक बार निकाल लेते हैं यहां से खोल करके। ये पेच डीवीडी राइडर का होता है, इसको खोला और डीवीडी राइडर को यहां पर पकड़ के इस तरीके से ये देखो निकला है डीवीडी राइडर, बाहर आ गया। पेज जो हम सारे मैगनेट में यहाँ पे इकट्ठा करते जा रहे हैं जो पेज जहाँ का है। अब ये पेज खोलना है, सबसे पहले ये हिंज वाला पेज होता है, थोड़ा बड़ा होता है। अब हमको यहाँ पे पेज के बारे में थोड़ा भी ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ के पेज हैं वो बड़े निकल रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े पेज ही लगेंगे। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें कहीं पेज तो है, उनको कोई पेज रह तो नहीं गया है, ओके। तो लगभग सारे पेज यहां से ओपन हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब ये पेज तो सारे खुल गए लेकिन ये बैक साइड से अलग नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके कीबोर्ड को निकालना है। क्या निकालना है, अब इसके कीबोर्ड को निकालना है। तो कीबोर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लॉक देखने हैं। इसके एक लॉक यहाँ पे, एक ये लॉक है, एक ये। इसको चिमटी से सिंपली या फिर हम सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो कीबोर्ड हो या इस बॉडी पे कोई स्क्रैच ना आए। तो यहां पे लॉक लगा है, इसको सिंपली यहां से हमने हल्का सा पुश किया पीछे की तरफ और ये बाहर निकाल लिया एक तरफ। यहां पे हम चिमटी का लगा सकते हैं, फंसा सकते हैं इस तरीके से, ओके। अब इस वाले पॉइंट को हमें पीछे करना है लॉक को, ये हो गया। अब इसको यहां से आप पकड़ लो, ओके, और सिंपली यहां से ऐसे आप करते जाओ पीछे ये, आराम से निकालना। अब ये यहां से निकला, इसको ऊपर साइड खींचा। अब क्या करना है, इसको यहीं पे ऐसे रखना है ये, अगर आप बाहर निकाल दोगे तो पट्टा कट जाएगा, यहां पर पट्टा लगा हुआ है। इस लॉक को आप चिमटी से ऊपर कर सकते हो ऊपर की तरफ, ये कर दिया और ये कीबोर्ड हमने बाहर निकाल लिया, ओके। अब क्या करना है, देखो यहां पे पेज लगे हुए,
ये पेज लगा हुआ, हमें इसे ओपन करना है, यहां पे ये पेज लगा, इसे ओपन करना है। ये हो गया। इसके बाद ये वाला पेज, अब क्या करना है, सिंपली ये ऑन ऑफ वाली जो बटन होता है उसका ये पट्टा लगाए, इस लॉक को हम ऊपर करेंगे सिंपली ऐसे, और ये लॉक यहां से निकाल लिया। टच पैड के लिए पट्टा लगा हुआ है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। अब ये यहां से इसको हम खोल सकते, तो इस अब क्या करेंगे, इस फ्रंट पैनल को हम निकालेंगे यहां से सिंपली, इस जगह पे सिंपली लगाएंगे, या आप नाखून से भी कर सकते हो इस तरीके से। ये ऐसे करके ये देखो यहां से इसका जो फ्रंट पैनल है वो अलग हो गया। जो पट्टे हमने निकाले थे वो टच पैड के लिए था, और ये ऑन ऑफ वाला पट्टा देखो यहां पे, ये जो बटन लगी होती है ये ऑन ऑफ के लिए आई थी। ओके, इसे कहते हैं फ्रंट पैनल। अब यहां पे आप देख रहे हो जैसे कि ये इसका मदरबोर्ड दिख रहा है, ठीक है, यूएसबी के लिए कनेक्शन ये गए यहां से, ठीक है, ये तुम्हारी आईओ आईसी लगी है, ठीक है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर आईसी, ये तुम्हारी सीमॉस बैटरी, ये तुम्हारा फैन लगा हुआ है लैपटॉप का, और ये पावर केबल गई है, ये डिस्प्ले पावर केबल यहां पे, और ये है डिस्प्ले केबल यहां से, और ये तुम्हारे जो बल्ब लगे हैं उसे कहते हैं हिंज, और ये है कैमरा और सेंसर। ओके, और ये डीवीडी रीडर कनेक्टर। अब क्या करना है यहां पे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूएसबी के जो कनेक्शन है उसको यहां से निकालेंगे, इस पट्टे को इस तरीके से करेंगे और इसको यहां से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, साउंड जो इसके ये लगे यहां पे, एक साउंड ये एक साउंड ये, तो साउंड के कनेक्शन हमें यहां से इसको अलग कर देना है, चिमटी से ये पीछे हो गया जाके। ओके, अब क्या करना है, हमें डिस्प्ले केबल जो है इसकी रिमूव करनी है, तो इसके लिए यहां पे इस तरीके से करेंगे, और ये जो लॉक लगा है ये इस तरीके से करेंगे, और ये बाहर निकाल देंगे। अब क्या करना है, इसके सारे पेज जो है वो निकालते हैं यहां से, जो मदर बोर्ड में लगे, जैसे कि एक ये पेज है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब क्या करना है, देखो ये जो एंटीना का वायर है इसके साथ में भी, ये जो ये डीवीडी रीडर कनेक्टर का है इसके, इस पेज को भी ओपन करना पड़ेगा। जो डीवीडी रीडर का, उसमें जो जो पहला लैपटॉप हमने बताया था उसमें क्या था, कैटल लगा था, इसमें इस तरीके का है। इसके बाद ये बोर्ड कहीं से निकलेगा, हमें यहां से इसको निकाल देना है, जबकि बैटरी एंटर पहले इसमें एंटर होता है, फिर इसके बाद इस पे होता है। ओके, तो डिस्प्ले केबल अलग होगी। अब ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर यहां पे लगा हुआ है, तो चार्जिंग एंटर को हम सिंपली ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये हमारा मदरबोर्ड निकल गया। ओके, अब बात करते हैं इसकी इसकी बायोस की, तो बायोस ऐसी यहां पे ये लगी, ये रैम एंटर हो गया, और जो इसका सीपीयू प्रोसेसर है, और जो इसकी ग्राफिक आईसी है वो क्या है, इसी के अंदर इनबिल्ट है, इस सीपीयू को बाहर नहीं निकाल सकते। आप हीट सिंक खोल के फैन भी क्लीन कर सकते हो, साफ कर सकते हो। ओके, लेकिन जो सीपीयू है वो इनबिल्ट सीपीयू है। जो मैंने पिछला लैपटॉप बताया था उसमें क्या होता है, सीपीयू अलग हो जाता था बाहर, जैसे कि एचपी G4 है, G6 है, इनमें क्या होते हैं कि जो जो प्रोसेसर होता है सीपीयू से बाहर निकाल सकते हैं। अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि सारे के सारे सीपीयू जो है वो इनबिल्ट हो रहे हैं, इनबिल्ट मतलब आईसी के रूप में लग रहे हैं कभी। और भी जो अब कुछ लैपटॉप ऐसे भी, कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें ये फैन भी नहीं लगा है, ओनली हीट सिंक ही लगी है, मतलब फैन भी नहीं लगे हुए हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें तो एक ही आईसी लगी है वो भी इनबिल्ट है, तो ये इसके नीचे जो लगा है वो सीपीयू होता है। ओके, तो इसको एक बार हम खोल के भी देख लेते हैं। ये देखो यहां से अलग हुआ, ये फैन लगा, फैन का कनेक्टर अलग कर दिया, और ये देखो इसके नीचे कूलिंग पेस्ट लगा है, और ये तो आपका फैन वही है, ठीक है, ये हीट सिंक होगी। ये जो कि जो सीपीयू है वो इनबिल्ड है, ग्राफिक ऐसी जो भी जितना भी इसके अंदर ग्राफिक है वो भी इसी के अंदर इनबिल्ड है। ओके, इसके बाद एक्सटर्नल ग्राफिक लगाया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पे आईसी और एनवी रैम की जगह भी दी गई है।
ओके तो ये अब इस तरह के ही सीपीयू आपको मदरबोर्ड में जो नए लैपटॉप है उनमें मिलने वाले हैं। ओके तो चीज को ध्यान रखिएगा, ये सीपीयू होता है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, फैन के कनेक्शन कर देना यहां पे। ओके ये इसका ले आते हैं बेस, ठीक है। ये डिस्प्ले केबल है, अगर हिंज को हमको खोलना है तो यहां से दो पेज खोलेंगे, ये पैनल इसका अलग हो जाएगा। यहां से दो पेज खोलेंगे ये दो पेज ये अलग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है जो कि इसके अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो डिस्प्ले केबल है, जो डिस्प्ले है, इसे हम कैसे चेंज करेंगे। ओके कैमरा यहां पर लगा होता है, जो एंटीना के वायर आते हैं वो कहां पे इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं। ओके तो अभी इसको हम लोग बंद करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे ये चार्जिंग वाला कनेक्शन सेट कर देना है, चार्जर वाला। इसके बाद ये फैन पूरा का पूरा जो है मदरबोर्ड है वो, और ये बैटरी कनेक्शन यहां से ये ऐसे करके आपको इसको इंसर्ट करना रहेगा। यहां पे ये इंसर्ट हो गया, ये तार वायर ऊपर कर लिया यूएसबी का, ये फैन का निकाल लिया हमने बाहर, और इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, बस सेट हो गया। ओके यहां से भी आप देख सकते हो कि हाँ ये उसके पोर्ट वगैरह है वो सेट हो गए। अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि जो ये डीवीडी राइडर का आपने कनेक्टर लगाया था, खोला था, इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसमें जस्ट ही हमको एक पेज लगाना रहेगा तुरंत, सेट करने के बाद पेज लगा दिया, ठीक है। इसके बाद यूएसबी केबल का जो यूएसबी पोर्ट दिया गया उसका और एनएमसी कार्ड का ये यहाँ पे पट्टा लगा दिया। ओके साउंड कैचर हमको करना है, साउंड जो है साउंड की यहाँ पे एसपी के लिखा, यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट करा दिया। अब बची गया डिस्प्ले केबल, तो डिस्प्ले केबल भी पट्टा ओपन किया, इसको इंसर्ट कराया, ये पट्टी दिख रही इस हिसाब से इसको बंद कर दिया, तो डिस्प्ले केबल अभी हमारी लग गई। अभी जो ये वायर उठा हुआ था चार्जिंग का, इसको हमें यहाँ पे दबा देना है, इस जगह पे सेट कर देना है। ओके इसी ध्यान रखना है आपको। ओके अब क्या करना, ये सब सारे कनेक्शन हो चुके हैं, सारे के सारे जितने कनेक्शन सबको जुड़ चुके हैं। अब क्या करना, जो हमने पेज खोले थे यहाँ पे, इस पेज को हमें क्लोज करना है, बंद करना, ये वाला पेज लगा देना है। इसका तो एक पेज हमने यहां से लिया था, खोला था, इसको बंद कर देना है। एक पेज मैंने यहां से निकाला था वो भी लगा देना है, मदरबोर्ड के पेज होते हैं, ताकि ये मदरबोर्ड आपका हिलेगा या डुलेगा नहीं। ओके अब क्या करना है आपको, ये फ्रंट पैनल इस पे सेट कर देना है आसानी से, हल्का सा इसे आप दबा सकते हो पुश करके, तो ये सेट हो जाएगा अच्छे से ढंग से, इस तरीके से आप दबा सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऑन ऑफ का कनेक्शन करना है यहां पे, पट्टी को इन्वर्ट कराया और ये बंद कर दिया। अब क्या करना है, हमें टच पैड का कनेक्शन, ये ऐसे लिया और यहां से पट्टे को चिमनी से पकड़ के कर सकते हो या फिर हाथ से भी कर सकते हो, ये इंसर्ट कराया और ये बंद कर दिया। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर के यहां के और यहां के पेज लगाने हैं। यहां पे हमने क्या किया, एक पेज ये लगा, छोटा पड़ रहा पेज, यहां पे हम इसको बड़ा पेज लगाते हैं, ये वाला। ओके कीबोर्ड ऐसे रखना है, ऐसे इधर से, फिर क्या करना है, इसको ऐसे लेके जाना इस तरीके से, यहां पे अप लिखा है, लॉक ऊपर करना है, इसको यहां पे इंसर्ट कराना है सिंपली, बहुत ही आसानी से आपको काम करना है। ये इंसर्ट हो गया, इसके बाद यहां पे आपको ऐसे सेट करना है और ये आपको पुश करना है, तो ये लॉक में जो होता है कि यहां के जो लॉक लगे जो हमने खोले थे उसमें ये कीबोर्ड सेट हो गया, और ये हमने अब इसको यहां से ऐसे क्लोज कर दिया। अब क्या करना है, हमें सिंपली डीवीडी राइडर लेना है, डीवीडी राइडर लेके हमें यहां पे इंसर्ट करा देना है, ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को इस साइड से पकड़ेंगे, इस साइड से, ठीक है। ये जो वायर, ये काले कलर का जो टुकड़ा ऊपर है ये ऊपर रहना चाहिए यहां पे, इसको पहले यहां पे ऐसे रखेंगे और उठा के यहां पे सिंपली इसको ऐसे फंसा देंगे और एक पेज लगा देंगे। इसके बाद रैम, रैम को क्या करना, कट इसका ये यहां पे है, साइड से मिलाना और ऐसे पहले आधी इसको फंसा देना है, फंस गई है और नीचे दबा देना, रैम लग गई। वाईफाई कार्ड के लिए क्या करना है, हमें पहले इसके कनेक्शन कर लेने, एंटीना वाले जो है तार वो जोड़ लेने हैं,
जोड़ गए। अब इसके बाद हम इसको यहां पे इंसर्ट करा सकते हैं आसानी से, और इसके बाद हम यहां पे एक पेज लगा सकते हैं, सेट हो गया। और इसके बाद हम यहां पे एक पेज लगा देंगे, इसके बाद सारे पेज यहां के जो लगे हैं वो लगा के बाद ये कवर्ड लगाना है आपको, यहां पे एक पेज लगा देना है, ठीक है। और यहां पे जो बड़े पेज होते हैं हिंज वाले पेज, वो पेज यहां पे लगा देते हैं, एक ये पेज ये है और एक पेज ये है, मैगेट में रखा था, दोनों पेज लगा देते हैं यहां पे हिंज वाले। सबसे पहले हिंज वाले ये पेज कैसे जाते हैं, जब भी हम कोई लैपटॉप ओपन करते हैं, ओके। इसके बाद क्या करना है आपको, बैटरी सिंपली ऐसे रखना है इसको, ठीक, ऐसे ये पहले यहां पे आपको आगे फंसाना है ऐसे करके, लग गई बैटरी। तो इस तरीके से देखा आपने कि डेल के जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उनको हम कैसे और खोल सकते हैं और कैसे बंद कर सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ही हमें आसान तरीके से उसको खोलना है, ओके। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा जिससे आप लैपटॉप रिपेयरिंग आसानी से और मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, ओके।